मान सिंह राजपूत के जाने के बाद सुशांत के लिए लड़ाई लड़ने वाली दो महिलाएं जिनका नाम है कंगना रनौत और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे। कंगना रनौत को लगातार दबाया जा रहा है, कंगना रनौत के हौसले को लगातार पस्त करने की साजिश रच रहे हैं कंगना रनौत के दुश्मन सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगार। तो वहीं अंकिता लोखंडे के साथ भी यही सब हो रहा है, कंगना रनौत के साथ जो भी कुछ हो रहा था कंगना रनौत के बाद अंकिता लोखंडे को भी निशाने में लेने की कोशिश कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगार, यानी कि रिया चक्रवर्ती और उसके साथ रिया चक्रवर्ती के गैंग में जितने भी लोग शामिल थे। रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड शिवानी दांडेकर, जो कि फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं, वो लगातार कमेंट कर रही हैं और लगातार डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं अंकिता लोखंडे को। और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे को लेकर एक ऐसा कमेंट शिवानी दांडेकर ने कर दिया है जिस वजह से लगातार ट्रोल हो रही है, फैंस इन्हें आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इन पर कमेंट किए जा रहे हैं। और आज के खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताएंगे दोस्तों पूरे विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शिवानी दांडेकर को पूरी तरह से धो डाला फैंस ने, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जितने भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके न्याय के लिए वो सारे के सारे फैंस ने, अंकिता लोखंडे के फैंस ने और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ अंकिता लोखंडे के फैंस ने तो धोया ही धोया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के कुछ करीबी भी हैं जिन्होंने शिवानी दांडेकर को जमकर लतार लगाया और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि शिवानी दांडेकर को कौन जानता था। जी हाँ, शिवानी दांडेकर ने ये कमेंट किया था अंकिता लोखंडे पर। अंकिता लोखंडे के लंबे चौड़े पोस्ट को आने के बाद, लंबे चौड़े पोस्ट जैसे ही आया इसके बाद शिवानी दांडेकर ने ये कहा था कि 2 सेकंड का फेम पाने के लिए अंकिता लोखंडे ये सारा ड्रामा कर रही है। बहुत बड़ी बात कही थी शिवानी दांडेकर ने अंकिता लोखंडे के ऊपर। इसके बाद सुशांत के फैंस, अंकिता के फैंस और सारे साथी साथ सुशांत और अंकिता के जितने भी दोस्त हैं, टेलीविजन के जितने भी सितारे हैं जिन्होंने जो अंकिता और सुशांत को अच्छी तरह से जानते थे, जो अंकिता और सुशांत को एक साथ देखना चाहते थे, एक साथ इन दोनों शादी करने वाले थे, इसके गवाह बनने वाले थे, वो सारे के सारे फैंस, तमाम फैंस जो हैं शिवानी दांडेकर को रंगे हाथों लेते हुए, आड़े हाथों लेते हुए बहुत सारी बातें शिवानी दांडेकर से कह रहे हैं और लगातार ट्रोल्स कर रहे हैं शिवानी दांडेकर को। और ये कह रहे हैं कि शिवानी दांडेकर को तो कोई नहीं जानता और शिवानी दांडेकर से 1000 times ज्यादा फेमस है अंकिता लोखंडे। और अंकिता लोखंडे को इस तरह की पब्लिसिटी पाने के लिए, इस तरह की चीप पब्लिसिटी पाने के लिए कोई जरूरत नहीं है अंकिता लोखंडे को। अंकिता लोखंडे ऑलरेडी स्टार थी जब वो सुशांत के साथ थी और साथ ही साथ सुशांत के ब्रेकअप के बाद भी अंकिता लोखंडे बहुत बड़ी स्टार हैं टेलीविजन इंडस्ट्री की और साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं। अंकिता लोखंडे को लेकर जमकर सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं शिवानी दांडेकर को ये कर रहे हैं फैंस कि शिवानी दांडेकर को कौन जानता है। शिवानी दांडेकर ने ना ही कोई फिल्म की है और ना ही किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में वो नजर आई हैं। सिर्फ और सिर्फ शिवानी दांडेकर की पहचान बस इतनी सी है कि फरहान अख्तर की रखेल है। जी हाँ दोस्तों, फरहान अख्तर की रखेल के रूप में ही शिवानी दांडेकर को जानते हैं, बस इतना से ही जानते हैं शिवानी दांडेकर को। जबकि अंकिता लोखंडे फेमस होने के साथ साथ वो कई सारे अच्छे काम भी करती हैं, बच्चों के लिए अच्छे काम करती हैं, कई सारे फाउंडेशन में वो जो है वो हिस्सा भी हैं, सुशांत के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। और ये आसान बात नहीं है दोस्तों, एक लड़की, वो लड़की जो कि एक रिलेशनशिप में होने के साथ साथ अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के बारे में, पूर्व बॉयफ्रेंड के लिए स्टैंड ले रही है, उस लड़की की के बारे में क्या चल रहा होगा, उस लड़की के दिल के अंदर क्या चल रहा होगा, ये आप कोई भी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ वो लड़की ही जानती है, अंकिता लोखंडे ही जानती है अच्छी तरह से। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही कहना चाहते थे हम आपसे। आज की एक खास रिपोर्ट अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों।